वेलकम टू ऑल व्यूअर्स माय चैनल गोपाल दास सिन्हा। विष्णुप्रिया मणिपुरी सैनिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन धन्यवाद। जय हिंद। मैं हूं हवलदार विशेष सिंह, विष्णुप्रिया मणिपुरी सैनिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का जनरल सेक्रेटरी। आप सभी को स्वागत करते हैं आज का इस प्रोग्राम पे। एनुअल जनरल मीटिंग ये प्रोग्राम था। ये विष्णुप्रिया मणिपुरी समाज में जितना भी यूनिफॉर्म्ड आदमी है, पैरामिलिट्री फोर्सेस, डिफेंस पर्सनल, जो तीन अंग है आर्मी के, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तथा डिफेंस पैरामिलिट्री फोर्सेस, सब मिला के ये सैनिक, विष्णुप्रिया मणिपुरी सैनिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन हमने बनाए थे। सूत्रों में बांध के समाज का आगे बढ़ाने के लिए एकत्रित हुए और एक साथ काम कर रहे हैं। हमारा विष्णुप्रिया मणिपुरी जो समाज है, क्षत्रिय समाज है, देश को सेवा करने का खून भरपूर है, जज्बा है हमारा समाज में, देशभक्त जो भक्ति का जो भावना है भरपूर है। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में हम लोग एक तकलीफ से गुजर रहे हैं, क्योंकि हमारा बच्चे लोग जो पैरामिलिट्री फोर्सेस में जा रहे हैं वहां से भी उनको निलंबित कर रहे हैं, क्योंकि ड्यू टू नॉन इंक्लूजन इन द सीओबीसी। जो बच्चे लोग इतना मेहनत करके नौकरी करते हैं, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, चाहे कोई सेंट्रल कोई भी नौकरी, लेकिन यहां पर जैसे ही सीओबीसी का नाम आता है वहां से इंक्लूजन असम में या तो त्रिपुरा को छोड़ के देश के विभिन्न प्रांत में जितना भी विष्णुप्रिया मणिपुरी समाज है, सीओबीसी नहीं मिला, ओनली एक्सेप्ट त्रिपुरा। हमारा देश में एक जाति, एक संविधान, एक देश। अगर देश एक देश है, इसलिए कश्मीर से संविधान मिटाया गया, क्योंकि एक देश एक संविधान। लेकिन विष्णुप्रिया मणिपुरी समाज के लिए संविधान अलग हो गया, ये त्रिपुरा में अलग, सीओबीसी हो गया और विष्णुप्रिया मणिपुरी समाज देश का और राज्य में सीओबीसी नहीं हो पाया, ओबीसी है। इसलिए हम सोचते हैं कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन के तौर से ओर से कि देश को जो हमारा विष्णुप्रिया मणिपुरी समाज को एकत्रित करके इस सीओबीसी के लिए लड़ाई करे। हमारा बच्चे लोग का भविष्य इसमें बहुत ज्यादा निर्भर कर रहे हैं। देशभक्ति का भावना जो कुट कुट के भरा हुआ है, उसको देश का काम में लाना चाहिए। जो बच्चे लोग जा रहे हैं नौकरी में है, उनको निकाला जा रहा है, यही सबसे ज्यादा आज का दिन में पॉइंट था। और इसके अलावा मेडिकल में मेडिकल फैसिलिटीज, एनआईटी, नेट, जितना भी मेडिकल जो फैसिलिटीज है, इसमें भी हमारा जो रिजर्वेशन कोटा है उसमें से हम लोग को नहीं मिल रहे। हम लोग सीओबीसी किस लिए चाहिए? सीओबीसी इसलिए चाहिए क्योंकि उसमें से 27% रिजर्वेशन मिला जाता है, साथ साथ 3 ईयर्स रिलैक्सेशन दिया जाता है सीओबीसी मिलने से। तो अगर ये मिलता है तो हमारा जो विष्णुप्रिया मणिपुरी समाज का बहुत अच्छा कल्याण होगा, यही सोच के आज का दिन में इस प्रकार के जितने भी इस प्रकार संकट है उनसे लड़के, उन संकट से निकालने के लिए ये संकट, इस प्रकार जितना भी तकलीफ है, नॉट ओनली सीओबीसी और बहुत सारे, अभी पॉलिटिकली आप लोग देखिएगा, क्योंकि हमारा समाज में कोई एमएलए है ही नहीं, हमारा समाज में कोई एमपी है ही नहीं। हमारा स्ट्रेंथ ऑल ओवर इंडिया में जो यूनेस्को का और से गुम होने वाले, मतलब विलुप्त तक अगर पर है हमारा विष्णुप्रिया मणिपुरी समाज, लेकिन इसी समाज को यही एक संगठन है जो सबको कट के हम लोग अपना जो संकट है उससे उभरने के लिए कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद। भारत माता की जो, देश के विभिन्न प्रांत में जितना भी हमारा जवान है, सबको विष्णुप्रिया मणिपुरी सैनिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की ओर से धन्यवाद करते हैं। थैंक यू। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। नमस्ते। मैं विजिलेंस पर्सन विशु सिन्हा सिलचर से बिलोंग करता हूं। मैं और मेरे कुछ दोस्त जिनके नाम इस प्रकार है, जनार्दन सिन्हा, सत्यव्रत सिन्हा, हम तीनों ने मिलके
विष्णुप्रिया मणिपुरी के जितने भी कम्युनिटी के अंदर डिफेंस के जितने एक सर्विसमैन तथा पैरामिलिट्री फोर्स के जितने रिटायर्ड पर्सन और इसी कम्युनिटी के जितने भी सर्विसमैन हैं, सभी मिलके 7 फरवरी 2021 को समाज कल्याण तथा इस कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण किया गया है। उस दिन उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम विष्णुप्रिया मणिपुरी सैनिक वेलफेयर के नाम से नामांकित किया गया था, जिसमें उस ऑर्गेनाइजेशन का जो सेंट्रल कमिटी गठन किया गया है उसमें प्रेसिडेंट के पद पे कैप्टन रिटायर्ड बिमल सिंह और वर्किंग प्रेसिडेंट के पद पे कैप्टन कालासना सिन्हा रिटायर्ड और सेक्रेटरी के पद पे हवलदार विश्वजीत सिन्हा रिटायर्ड और चीफ एडवाइजर के पद पे कैप्टन रुक्मणी सिन्हा और अदर्स एग्जीक्यूटिव मेंबर के माध्यम से यह संगठन गठित किया गया है। संगठन का उद्देश्य इस प्रकार है, विष्णुप्रिया मणिपुरी समाज इस संगठन के माध्यम से कैसे एकजुट होके इस समाज को डेवलप्ड करे और समाज का हर एंगल से दुनिया के सामने प्रचलित करने के लिए यह संगठन बनाया गया है। मैं अभी इस संगठन के ओर से हमारा इस चैनल के माध्यम से दो एक बातें समाज के सामने लाने के लिए मैं हमारा ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट कैप्टन बिमल सिंह रिटायर्ड उनको रिक्वेस्ट करता हूँ दो एक बातें इस चैनल के माध्यम से बोलने के लिए। मैं कैप्टन बिमल कुमार सिन्हा का आह्वान किया था, उस कमेटी के माध्यम से मुझे इस संस्था का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया। संस्था का नाम मेरी पूर्ववर्ती वक्ता जो है बता दिया, विष्णुप्रिया मणिपुरी सैनिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस। संस्था गठन के बाद हमने उसकी आगे सुचारू रूप से कामकाज करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव बॉडी गठन किया गया है पिछले साल 20 मार्च को। उस एग्जीक्यूटिव बॉडी के माध्यम से हम डिफरेंट पहलुओं पर काम कर रहे हैं। समाज में हमारे जो संस्था के नाम उसकी उद्देश्य उसकी काम करने का तरीका के बारे में समाज के विभिन्न अंग में हम इसकी सभाएं आयोजित कर रहे हैं ताकि इसकी प्रचार और प्रसार हो। इसके अलावा हमने भारतीय फौज में नौकरी करने का बाद रिटायर्ड हुए हमारे देश के दो प्रधान ओकेजन्स है जो कि 15 अगस्त और 26 जनवरी पिछले साल के दोनों इवेंट्स 75th इंडिपेंडेंस डे जो कि हमारा देश में अमृत महोत्सव के नाम से जाना गया उस इवेंट को सेलिब्रेट किया है। हमने अपना नेशनल फ्लैग उत्तोलन करके उसकी प्रतीक को हमने दर्शाया है हमारा समाज के बीच में। उसके अलावा 26 जनवरी 2022 को रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन को बहुत बरसरा करके सेलिब्रेट किया है ताकि इस संस्था के नाम और दूर दूर तक रिमोट एरिया तक उसका प्रचार एवं प्रसार हो। आज 20 मार्च 2022 इसका एनुअल जनरल असेंबली गठित किया था, उसमें दिन भर के कई कार्यक्रम था, 4 से 5 घंटा मतलब कई सारे पॉइंटों के ऊपर डेलिब्रेशन हुआ है और उस कंक्लूडिंग में ये आज आपके सामने ये प्रतिवेदन दे रहे। धन्यवाद। हरे पताकी, हरे पताकी, जय।
जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, धन्यवाद।